अरे इतना प्रोफाइल इधर आ जाओ इधर मेरा हो गया तो थैंक यू धन्यवाद अरे मेरा तो हो गया हेलो क्या कहना चाहिए एक सर ने आपकी काफी तारीफ की बिग बॉस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसा लग रहा है जब आपको इतनी बड़ी तारीफ मिलती है लोग बड़े बड़े सेलिब्रिटी आपको मानते क्या ऐसे बताना पड़ता है कि जब तारीफ होती है तो वह अच्छा लगता है यार बस ऐसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते यहाँ पे अच्छा लगता है अंदर जब रितेश सर से हम लोग बात कर रहे हैं तो कहा कि जो भी मैंने बिग बॉस का ऐसे किसी दिन इस गेम में सबसे बेहतरीन सीजन जनरल शिप ने काम किया शिप का बहुत काम किया एंजॉय किया जब इतनी अच्छी अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशन है तो उससे अपने काम में कोई प्रोग्रेस लगता है यार किसको कॉम्प्लीमेंट और शाबाश की किसको पसंद नहीं होती है बट ना रितेश दादा के साथ ना एक कनेक्शन है वो मिट्टी वाला वो इंसान मिट्टी से जुड़ा हुआ है और उनका जब वो बिग बॉस में था मैं जब वो अंदर घर के अंदर आए थे भाभी के साथ वही नहीं सोबत तब ना तब भी उन्होंने जितनी हमें वो छोटी चीज अप्रिशिएट की थी तो उसकी जरूरत थी और मुझे लगता है अभी भी वो अप्रिशिएट करते तो उनका नेचर वैसा है वो लोगों को बहुत मोटिवेट करते हैं उनके काम से और जो दूसरे काम करते हैं उनको शब्दों से शाबाश की देते जरूर जाएंगे यार जिस चीज ने आपको बनाया है वहाँ पे क्यों नहीं जाओगे आप और मेरी जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई नहीं यार वो फॉलो नहीं हो पा रहे आप कर रहे हो यार सच कहूँ तो मैं देख नहीं पाता हूँ बट इसमें भी मजा नहीं आ रहा ये सच वाली स्टोरी बताऊंगा कि ये होता ना एक मसाला कि ये कंटेस्टेंट है तो उसमें कुछ हो ही नहीं रहा है मतलब एक तो होता है प्यार एक तो होता है एक कुछ फ्रेंडशिप एक तो होता है लड़ना तीनों चीज नहीं दिख रही है पर्सनली मुझे ऐसा लगता है बाकी देखो जिसकी दुकान उसके रूल बिग बॉस उनका दुकान उनके रूल मैं नहीं कहूंगा गलत क्योंकि देखो आप उनके घर जा रहे हो तो उनके रूल उनके हिसाब से चेंज करेंगे जरूरत किसको है पैसे कौन दे रहे मेरा पर्सनली जब मेरे वक्त या कोई भी सीजन में होता है मुझे लगता है कि दुकान चलनी चाहिए बात खत्म और उनके घर में जाओगे तो उनके रूल आपके घर में जाओगे तो आप बोलोगे ना यार उधर नहीं बैठ सकते वैसे बिग बॉस का रूल है और मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि उन्होंने मुझे बनाया है और मैं चाहता हूँ कि लोगों को वही चीज देखने को मिलती है जो देखना चाहते हैं दुकान है यार सब अपने दुकान के लिए करते हैं आएगा मैं जरूर बताऊंगा थैंक यू सो मच थैंक यू और परमिशन के साथ हम करने वाले हैं ये दूसरा शुरुआत
एक नए जर्नी की और जर्नी की बात करते चलेगा मैं बोल रही हूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है पहले ही कर लेते यार बाल खराब हो गए मेरे पूरे नहीं देख के आई मैं तभी बता रही हूँ बाल अच्छे नहीं है बाकी और कुछ है हाँ गाना बड़ा ही मैंने वहाँ पे भी बोला बहुत ही फील गुड टाइप का है मतलब आप सुनोगे ना तो आपके अंदर एक एनर्जी आती है आपको अच्छा लगता है वो म्यूजिक सुन के एंड उनकी जो दोस्ती है बहुत पुरानी है एंड वो दिख रही है दैट दे आर फ्रेंड्स फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल इट्स वेरी ब्यूटीफुल मेरे लिए दोस्ती की बहुत ज्यादा अहमियत है सबको सबने देखा ही होगा एक्चुअली हर जगह मेरे वैसे भी मैं हमेशा से मैंने बोला है कि मेरे बहुत सारे दोस्त नहीं है मेरे बहुत कम दोस्त है लेकिन जितने भी दोस्त है सबके लिए ऐसा है कि मैं मतलब जान दे दूं उनके लिए मैं उतना सोचती नहीं हूँ सच्ची में कब मैंने इतना कभी ध्यान दिमाग लगाया ही नहीं कि मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ क्या हाँ भाभी वसई में शूट करती हूँ मेरे को टाइम नहीं मिलता सोने का हाँ ये तो घर तो मेरे लिए बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था मैंने सोचा नहीं था बट मुझे बाद में पता चला कि वो सेम बिल्डिंग है जो मैं बिग बॉस से देखती थी एंड ऐसे अनएक्सपेक्टेडली वो मेरे लिए वो सपना सच हो गया सो बहुत ही अलग फीलिंग होती है मतलब वो आप ऐसे मैं समझा नहीं सकती कि मुझे कैसा फील हुआ पर कुछ अलग ही था ऐसा लगा बस सब मिल गया है फिर रियलाइज हुआ कि अभी भी बहुत बाकी है मेरे पास सोने का वक्त नहीं है मैं बहुत मुश्किल से सो पाती हूँ मुश्किल से 5 घंटा मैं उसमें भी स्ट्रेस नहीं ले सकती मुझे तो अच्छे लगते हैं चेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं आई थिंक काव्या अभी जो एकदम नए अवतार में आई है वो लोगों को बहुत पसंद आएगा बिकॉज इट इज मतलब जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो उसकी एकदम उल्टी निकलने वाली है जो सोचेंगे कि ऐसा करेगी वो वैसा बिल्कुल नहीं करेगी सो आई थिंक इट्स गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड मैं जरूर सबका फीडबैक जानना चाहूंगी हर एक एपिसोड के बाद की किसको क्या लग रहा है कैसा लग रहा है शंकर भाई हाँ ब्रो सड़ी के आई गॉट फ्रॉम माय पिक्स कैमरा आल्सो Thank you. Yeah. Bro, sir, ki finally release ho chuka hai. Ah, main to I am not getting over the title of the song, Bro, Sarike. Very nice. Ah, Bro, Sarike. R hai, ad nahi hai beech mein. Just clearing for the audience. लवली लवली टाइटल आई होप जितना इंट्रीगिंग ये गाने का टाइटल है उतना इंट्रीगिंग वो सॉन्ग भी लगे एंड नाइस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी हैविंग अ सिंगल और अ म्यूजिक एल्बम रिलीजिंग देर वॉज अ टाइम इन बिटवीन पहले टाइम होता था कि बहुत सारे सिंगल्स आते थे गाने आते थे अब थोड़ा बंद हो गया सो इट्स नाइस अभी आया है सिंगल आई होप ये अच्छा चले और लॉट ऑफ पीपल स्टार्ट मेकिंग वीडियोज एंड एल्बम्स आए इंडिविजुअल नाइस यार मैं थोड़ा टेम्पर है मेरा मतलब गुस्सा गालियां वालियां निकल जाती इसलिए ऑफर तो था लेकिन मैं गया नहीं
जाना तो चाहिए सर तब। हाँ मतलब ऐसे गुस्से वाला इंसान, गाली गलौच वाला इंसान चाहिए आपको देखने के लिए ना। अरे 24/7 एक्टिंग थोड़ी ना करेंगे, कभी ना कभी मेरा प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ा गुस्सा ही दिलाया तो। लेकिन आप कंट्रोल करना सीख गए तो उधर, और हाथ छोड़ दिया वहां पे तो कंट्रोल नहीं हुआ तो नहीं, हो जाएगा। इसे बिग बॉस ऐसे टेम्पर है, मेरा गुस्सा आता है, गाली देता हूँ, मारता हूँ, कहता ऑल द वेरी गुड जाना चाहिए, मैं बोला इसीलिए तो नहीं जा रहा हूँ। मैम तो मैंने वही बोला वहां पे, मतलब कुलॉन रायता फैला देना था जाके। मैं ठीक हूँ। आई एम सरप्राइज कि मोनिशा इतनी जल्दी निकल गई है बिग बॉस से। शी डिजर्व टू बी देयर टिल द लास्ट वीक। थैंक यू। बट थैंक्स अ लॉट। हियर शी इज बट आई एम वंडरिंग व्हाई शी इज आउट। शी शुड हैव स्टेड मैन। नॉट पार्ट ऑफ इट। तीन हफ्ते रह गई, ठीक है। बहुत है। बहुत है। पर एंड तक रहना चाहिए था। दैट्स ट्रू। सो थैंक यू। थैंक यू। बाय। हां जी। हां जी। I can't hear. Ha. So good to see you, Monisha ji. Thanks. दोस्ती के ऊपर एक और सॉन्ग आ चुका है फाइनली। आपकी दोस्ती हमने बाहर भी देखी, घर के अंदर भी देखी, चाहे निशा के साथ हो चाहे कक्षा के साथ, तो दोस्ती के बारे में आप तो मैं यही कहूंगी, मेरे बहुत खास दोस्त हैं विशाल एंड लव, एंड आप देखेंगे कि हम लोग ये रिश्ता होपफुली, नॉट होपफुली, आई एम श्योर शो के बाद भी निभाएंगे। एंड अनफॉर्चुनेटली विशाल तो नहीं है शो में एनीमोर, बट आई वुड वांट लव टू विन। एंड अभी फिनाले होने जा रहा है तो वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड फॉर द फिनाले। विशाल भाई भी निकल गए घर से, अपने बात की उनसे अगर बात नहीं तो क्या बात है? नहीं, आज बात करूंगी, आज बात करूंगी, अच्छा अभी आज बात करूंगी। क्या आप ब्लॉग करना पसंद करेंगे आने वाले दिनों में, आपके फ्रेंडशिप सॉन्ग या किसी के साथ? या विशाल और लव के साथ कर लूंगी मैं कोई रील वगैरह, अगर वो लोग ओके बोलते हम साथ में कुछ कर लेंगे। बट कटारिया यहाँ रहता नहीं है, दिल्ली में रहता है, सो आई डोंट नो हाउ मेनी डेज ही विल बी इन मुंबई, गुड़गांव में रहते हैं। ऑफकोर्स कटारिया मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरा सबसे लॉयल विशाल और लव मेरे साथ थे इस घर में, तो मैं अपनी लॉयल्टी यहाँ दिखाऊंगी कि मैं चाहूंगी कि वो लोग जीते एंड सब उनको ढेर सारे वोट्स। जी जी जी। मैं तो हमेशा यस एल्विश बिकॉज ऑफ कटारिया, यस माय डेफिनेटली। हाँ जी, यस ऑडियंस को मैं ऑडियंस को यही बोलना चाहूंगी, थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी इन द शो, एंड आप प्लीज लवकेश को सपोर्ट करते रहे कि वो ट्रॉफी लेके आए। आई विश हिम ऑल द बेस्ट, थैंक यू। जहाँ से ये विचार आया गाने को इंग्लिश और हिंदी का भी शब्द देना, और जिस तरीके से आप दिख रहे कहीं ना कहीं धमाका होने वाला है, क्या बोलना चाहेंगे? सो बेसिकली जैसे कि आपने कहा मिक्सर जो करना था, तो हर फ्रेंड्स की जो गैंग होती है उसमें यू नो अलग अलग किरदार होते हैं, हम जैसे मानेंगे कोई यू नो बहुत मस्ती वाला रहता है, कोई एकदम शांत गाई जैसा रहता है, तो बस उसको ही मिक्स किया है हमने, एक फ्रेंड्स से एक कनेक्शन बने फ्रेंडशिप से, तो ऐसे जैसे हमारी है वैसे। फ्रेंडशिप के ऊपर ही पहला धमाका चाहिए भाई, जो एक्चुअली हम लोग कनेक्ट भी कर सके। कहीं ना कहीं लोग जब भी मिलते तो पहले फ्रेंड्स ही बनाते, तो फ्रेंड्स के लिए ये धमाका है। और हमारे नाम में ही वो कनेक्शन है जो फ्रेंडशिप में है, वो दैट नेम ओनली हैज दैट कनेक्शन। सर के साथ मैंने कहा काफी गहरी और लंबी टाइम की दोस्ती है, तो बात करो शूटिंग दौरान की, क्या वो दोस्ती वाला सीन दिख रहा था जो बचपन में होता हम लोग के बीच में? मेरी सो नहीं थी, ऑफ कोर्स इट स्टार्टेड वेरी सोबर, बट देन हम लोग जैसे है वैसे नेचुरल फील। दोस्ती रिश्तेदारी में भी है, सो शी इज माय वाइफ एंड शी इज, तो वी आर टू कपल्स।
तो वो चीज भी है, उसका भी थोड़ा बहुत नोक, प्यार भरी नोक जोक बोलते हैं वो होती है। ओके, सो इट वाज फ्रेंडशिप डे नजदीक आ रहा है, तो उसी के लिए हम लोग ने ये थॉट किया था कि हम लोग एक फ्रेंडशिप का सॉन्ग, और हम लोगों का आइडिया शायद ये था कि दोस्त हर जगह हर सिचुएशन में हमारे साथ खड़े होते हैं, हम लोग किसी भी चाहे प्रॉब्लम में हो चाहे खुशी हो गम हो, सो दैट इज़ व्हाट वी वांटेड टू शो द वर्ल्ड हमारी दोस्ती, सो आप कनेक्ट कर पाओ इसके लिए। वो 20 साल से तो कनेक्शन है ही, बट वो कॉलेज डेज जो है ना वो कभी भूला नहीं जाता, कॉलेज स्कूल वो कभी भूला नहीं जाता, तो ये सब मस्ती उसमें दिखेगी। ओ मेरे यारा, ओ दिलदारा, दोस्ती का नाम ही तो जिंदगी है, दुनिया वालों ये नारा हमारा, यार मेरे साथ है तो क्या कमी है, अरे रब्बा ने कैसे कैसे नमूने हैं बनाए, जितने थे कमीने मेरे हिस्से में ही आए, उनके संग बने ना पर उनके बिन चले ना, तो खुद ही समझ जाइए। बी फोर वंस मोर, मेरे सारे यार ब्रो सरीखे, प्यारे यार ब्रो सरीखे, एक दूजे पे मरने को तैयार ब्रो सरीखे। मायने वो भी बदलते जा रहे हैं, मतलब आप लोग मतलब, लेकिन अगर हम देखते कि फ्रेंडशिप को कई लोग इसलिए करते हैं कि पैसों के लिए करते हैं या मतलब के लिए करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसी एक लाइन भी है उसमें कि भाई पैसे ले उधार मुझसे औरों पे लुटाए, जो वक्त पे न लौटाए वो यार ही कैसा। क्योंकि दोस्त ऐसे ही होते हैं भाई, पैसे लो फिर हम लोग पूछ नहीं सकते भाई कब लौटा रहा है, वो तो आप पूछ ही नहीं सकते, दोस्त को कभी ये चीजें पूछी नहीं जा सकती, वो रियलिटी चेक है। क्योंकि हस्बैंड है और वाइफ बोलने की जरूरत ही नहीं है, तो वो लोग डेबिट पे ही चलते, हम लोग क्रेडिट्स में ही चलते, कमाना हमें है खर्च इन्होंने करना, मतलब आप समझ सकते हो, तो उधारी जैसा तो कुछ नहीं है। लास्टली आप फ्रेंड्स फैमिली स्नाइस को क्या कुछ कहना चाहेंगे इस गाने के लिए? बस इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय गाने को रिलेट कीजिए अपने अपने पुराने दिन, अभी के दिन। इट इज अ फीलिंग, ये सॉन्ग इज अ फीलिंग, इट्स अ फील, इट्स अ फील। जाते थे बस ये बता दीजिए ये सॉन्ग भी शूट कहां पर है और आगे के प्लान्स क्या हैं? ये हमने थाईलैंड में शूट किया था, सो वही प्लान था कि दोस्त मिलते हैं 3-4 साल में शायद एक आधा प्लान करते हैं, तो थाईलैंड में शूट किया था और आगे भी ऐसे ही, यू नो वांट टू गिव मोर हिट्स, चाहेंगे कि ये बहुत अच्छा ये दौर अभी चलता रहेगा, यस यस, और वैरायटीज देनी है हमें ऑडियंस को, तो होपफुली दे पाए। आगे जाके क्या है आप प्लान, जैसे कि नए गाने को आप बनवाएंगे, कोई बड़े एक्टर के साथ आप काम करेंगे या कुछ अगर आप बता सके? एज पर द फ्लो वी वुड लव, वी वुड लव टू कोलैबोरेट विद यू नो मोर एक्टर्स, एंड प्लानिंग सारी चल रही है। हां We won't spill the beans. ये तो है कि पहला गाना तो दोस्ती के ऊपर निकला है, पर आगे जैसे जैसे गाने निकलेंगे तो वो वर्सेटिलिटी डेफिनेटली दिखेगी, जो एक वी फोर वंस मोर एक बैंड जिस तरीके से फॉर्म किया है, तो वो सभी की वर्सेटिलिटी निकलनी चाहिए हर एक गाने में, हर एक ओरिजिनल गाने में। और उसके साथ जैसे उन्होंने कहा कि भाई सेलिब्रिटीज भी आएंगे, एक्टर्स भी आएंगे, एक्ट्रेस भी आएंगे, डेफिनेटली कोलैबोरेशन फॉर श्योर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नहीं आ रहा है सर, कैसे हो? अच्छा
अरे दिन का है गाना तो ऊपर मेरा अरे भाई जो गाना गा रहे वो लोग का अभी नहीं हाँ मतलब बेस्ट विशेस शायद शेरापुर में ग्लासेस नहीं संभाल रहा हूँ मैंने अभी पता करा, माफ कीजिएगा मुझे वायरल है, मेरा गला चल नहीं रहा है, जबकि एक म्यूजिक वीडियो का लॉन्च है और मुझे अच्छा ये लगा कि मैंने इनसे पूछा कि भाई वी फॉर किस लिए है. सो एक्चुअली दिस इज टू कपल, तो वी फोर को इन्होंने कर दिया है V4, लाइक वी. आई एम श्योर जब एक कपल होता है वही काफ़ी होता है, तो अगर दो कपल हैं और गा रहे हैं तो ज़रूर ये गाना अच्छा होगा. एंड आई एम ऑल्सो विशिंग सावेरी जिन्होंने गाना लिखा है और बहुत अच्छा लिखती हैं, मेरी दोस्त हैं, तो अब हम लोग उस उम्र में पहुँचे कि नए लोगों को आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाएं दी. सो क्रिकेट मैन और ब्रो सरीके जो है हिट हो जाए ये मेरी शुभकामनाएं. थैंक यू. ग्रोसरी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, हर घर में होनी चाहिए. और मैंने सुना कि ये शब्द हमने ज़्यादा से ज़्यादा लॉकडाउन में सुना था, जब ग्रोसरी बांटी जा रही थी, घर घर में राशन पहुंचाया जा रहा था. ये ग्रोसरी ग्रोसरी वाले भाई से जिससे मतलब इट्स रियली वेरी फनी टॉपिक एंड सॉन्ग. और प्रशांत सतोसे ने बहुत ही अच्छा कंपोज किया है गाना, मैंने सुना है गाना. और सावेरी वर्मा ने बहुत ही खूबसूरत इसे लिखा है. तो गाना तभी अच्छा बनता है जब टीम बहुत इंजॉय करके गाने को बनाती है, चाहे वो गाना किसी भी मूड का हो और आपके जहन में भी कुछ मस्तियाँ आ रही होंगी इस टाइटल को सुन के. मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा गाना बनाया. और ये दोस्ती के ऊपर गाना है, दोस्ती के ऊपर बहुत सारे गाने आजकल नहीं बन रहे थे तो ये गाना इसमें ऐड ऑन हो गया. तो थीम जो है यहाँ पे V4 Once More, तो V4 Once More के लिए वंस मोर एंड पूरी टीम ऑफ ग्रोसरी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. ये गाना आप तक पहुंचेगा जल्दी और जैसे पहुंचे आप अपने वैल्यूबल फीडबैक को जरूर दीजिएगा. थैंक यू सो मच. Thank you.
पानी के लिए शुभकामना दे देना, बाकी दूसरा कुछ नहीं। ठीक मैं चारों को दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि दोस्ती सबसे प्योर चीज़ होती है जो हम खुद बनाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे प्योरेस्ट चीज़ है और सबसे खूबसूरत चीज़ है। तो मेरी ओर से पूरी टीम को मुबारक हो और ये गाना बहुत ही अच्छा चले। दोस्ती की अगर मैं बात करूं तो मुझे सबसे पहले ख्याल आता है सारा का और मेरे केंशु का, क्योंकि वो मेरे फर्स्ट बॉम्बे में मेरे करियर में मेरे पहले दोस्त हुए थे और आज तक वही हैं। आज 15 इयर्स हो गए हैं 15 साल हमारी दोस्ती को। तो ऑफकोर्स दोस्ती, जैसे ही दोस्ती का नाम आता है तो केंशु और सारा का सबसे पहले बिल पे नाम आता है। अभी जस्ट मैं कर रहा हूँ कैसे मुझे तुम मिल गए सी का शो, जो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही अच्छा यू नो एक एक्टर को मेरे अप्रिसिएशन मिल रही है, तो बहुत थैंकफुल हूँ मैं। उसके बाद अभी बहुत जल्दी और भी कुछ देखने को मिलेगा। मतलब प्रशांत जी के बारे में किसी ने नहीं बताया कि हम लोग चारों बैठे थे, सावेरी जी ने सॉन्ग भेजा और वो सब डिसाइड हुआ और तुरंत ही हम लोग ने पिल्लो गाना सुना था, तो जो प्रशांत जी ने कंपोज किया था। और किसी कौशल ने बोला यार आई वांट दिस म्यूजिक डायरेक्टर, मुझे यही इंसान चाहिए। तो एंड द मोमेंट शी कॉल्ड हिम, उन्होंने एक भी बार बिना मतलब पूछे कौन है, सिटरस यूजुअली होता है बड़े आर्टिस्ट पूछते हैं, तो कुछ ना करके उन्होंने तुरंत said yes, so we are, thank you so much for being there for us. स्टूडियो में इतना प्यार से उन्होंने हमें संभाला है and we love you. मुझे पर्सनली लगता है कि अगर यहाँ पर सबसे करीबी ब्रो सली की अगर कोई है तो बचपन के यारों से भी ज्यादा मायने हमें हमारे पैनर्स ने दिए हैं जो यहाँ पर है। सो वॉट बेटर देन यू गाइज बीइंग विद देम right here and all eyes on the screen and enjoying this moment. Yeah. Bina, Daru, ये सब अभी बंद करो, अभी इसको लाइक सब्सक्राइब थोड़ा जिलो मतलब हमारा सपोर्ट लिया हो। So planner का definition तो ठीक है, आपको अभी सिर्फ चार हो, चारों को एक-एक word याद करना है, like, subscribe, share, follow. क्योंकि यही होने वाला है once we are done with the launch. So ladies and gentlemen, boys and girls, are you guys ready for the ultimate moment? It's time to witness sheer magic brought to you by Team V4 once more. It's time for Bro Sarike. Maine sahi bola na? So I request mobile aa raha hai, aadhi mobile aa raha hai. Yes, let's do it. Let's do it. Jo dikha hai wo, जो सोचे के वो नहीं, जो लिखा है वो बोले। मेरे सारे यार प्यारे यार, एक दूजे पे मरने को तैयार, सारे यार प्यारे यार, एक दूजे पे मरने को तैयार। So this is me for once more for you ladies and gentlemen, make some noise for team Before once more and good luck. Excitement level अब और अलग level पे जाएगा, क्योंकि मैं quickly जाके कुछ लोगों का response निकल आने वाला हूँ। First reaction कैसा था उनका, so यहीं से मैं
स्टार्ट करना चाहता हूँ तो शाइन जी सिंह विकास चीज होती है ना कि फील गुड भाई नीचे से नीचे यार सो फॉर मी दिस सॉन्ग इज रियली फील गुड कि आप सुनो तो आपका मूड अच्छा हो जाए एंड उसके साथ साथ वो दोस्ती दिखती है वहां पूरा एक वेरी शॉर्ट एंड अ वेरी ब्यूटीफुल वीडियो सॉरी 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 मेरी इतनी अच्छी दोस्ती आप क्यों नहीं देना रियलाइज कितने साल की आपकी दोस्ती होते साल की मैं And now I would like to invite the man who is here to motivate all of us, the man who has always inspired us by his journey. कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बहुत कम खुशनसीब ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ एक word describe करता है. Animal सबके लिए सही गलत मुझे नहीं पता, लेकिन अगर किसी के लिए सबसे best साबित हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ हम सबके चहेते श्रेयस पुरानिक जी के लिए. तो व्हाट बेटर देन हैविंग यू हियर विद अस एंड टू नो इट फ्रॉम यू. एंड आई आल्सो रिक्वेस्ट हम सबकी फेवरेट, हर एक प्लानर की फेवरेट, हर एक फैमिली की फेवरेट ऐश्वर्या इज हियर विद अस. तो ऐश्वर्या एंड श्रेयस आप भी इनके ही जैसे रियल लाइफ में आने से पहले फ्रेंड्स थे. So we have with us. Thank you. Yeah, all the best to the team. I think they've come up with a very catchy line to the song, so I'm sure it's going to be super hit. मेरी तरफ से दोस्ती का मायने क्या? यार मेरे तरफ से दोस्ती का मायने जो जिंदगी भर चले और वो दोस्त आपके साथ जिंदगी भर रहे और उनके साथ आप खेलते रहे, मुझे करते रहे. Yeah, there's a web show that's coming, so hopefully that's going to come out. Thank you. और हैंडसम आदमी किधर गया? अरे सारे हैंडसम हैं. सर हैंडसम तो आगे. थैंक यू यार, वो मैं इसलिए नहीं बोला मैंने. Thank you.
थैंक यू सो मच, इसीलिए ब्लैक पहना कि डैशिंग लग पाऊं मैं। मैं इनको बधाई देता हूं और उसके अलावा थोड़ा ट्रिकी है और इसको बोलते समय किसी के मुंह से फंबल नहीं होना चाहिए। ब्रो सरीके, ब्रो ब्रो यानी भाई, सरीके यानी जैसा, तो बड़ा सिंपल सा है लेकिन आप पॉज नहीं लोगे तो आप गलती कर सकते हो और फिर तकलीफ में पड़ सकते हो, सो इसलिए तकलीफ में ना पड़े और ब्रेक लें बीच में। ब्रो सरीके ये इन्होंने बनाया है और सारे दोस्त हैं और इसी हिसाब से इनको ये मेरे ख्याल से जो टाइटल मिला है आपस में मस्ती वाला, जिस तरह की ट्रेंड आजकल चल रही है, दे आर फॉलोइंग दैट, सो जस्ट विशिंग देम ऑल द बेस्ट। या अभी मैं पाइपलाइन से बाहर निकला हूँ, अभी तेरी मेरी डोरियाँ कुछ समय पहले खत्म हुआ, फिर कुछ इवेंट्स कर रहा था मैं, सो आई एम जस्ट ट्रैवलिंग एंड आके फिर देखते हैं उसके बाद। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। Thank you for the compliment. Yes, I love it. Yes, yes, bites. बताइए जी. Thank you. Actually, मेरा तो ये है that if any friendship that lasts more than 7 years, वो friendship हमेशा टिकती है and these guys I think have been friends for 20 years. तो इतने साल बाद आकर song and friendship तो बनता है and for me like friendship is a meaningful relationship that you share और बहुत बहुत ज़रूरी है, कुछ लाइक 3-4 भी मिल जाए ना तो बहुत बड़ी बात है दिस इंडस्ट्री टू हैव अ ट्रू फ्रेंड। हाँ या देर आर टू प्रोजेक्ट्स दैट आई एम ऑलरेडी इन टॉक्स विथ, तो यस यू विल सी मी बैक इन एक्शन। थैंक यू। मेरे तो बहुत सारी मेमोरीज हैं दोस्ती की, बट आई जस्ट नो वन थिंग कि देर आर टाइम्स वेन यू फील कि आप अपना वनरेबल साइड किसी को नहीं दिखा सकते या बता सकते, बट इफ़ यू हैव दैट वन ट्रू फ्रेंड तो चाहे वो कितना भी खराब हो या कमी हो, बट इफ दे कैन बॉन्ड विथ यू दैट्स एवरीथिंग। यार मैंने गाना देखा ना, आई वाज लाइक ये गाना, बट इट इज नाइस, द होल कॉन्सेप्ट इज नाइस और द फैक्ट कि ये लोग 20 साल से दोस्त हैं, दे रिलीज द सॉन्ग फाइनली ऑन फ्रेंडशिप, इट्स ग्रेट एंड आई रियली रियली विश देम ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। कहाँ खड़े होने, यही ठीक है ना? All right. पहले यहाँ हाँ जी बोलिए। कौन पूछ रहा है? हाँ जी मैं क्या कहना चाहूँगी, वेल इट्स बी4 ब्रो सरीके, नाम ही काफ़ी है कहने के लिए जो कहना है, बिकॉज इट्स अबाउट फ्रेंडशिप एंथम एंड दोस्तियाँ बहुत रेयर होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं, बहुत खास होती हैं, और जिनके पास ये दोस्ती होती है आई थिंक वो बहुत रईस लोग होते हैं आज की दुनिया में। तो अगर ये V4 है, इनकी 20 साल की दोस्ती है, तो आई एम वेरी हैप्पी टू हैव कम एंड अटेंड दिस इवेंट जस्ट बिकॉज ऐसी रेयर चीज़ देखना बहुत रेयर ही होता है, मतलब यू डोंट सी दैट। आजकल दोस्तियाँ बनती हैं और फिर बिखर जाती हैं और सालों साल तक नहीं चलती हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने अपनी दोस्ती के ऊपर एक एंथम बनाया है और उसको रखा है ब्रो सरीके। पर अगर गाने में आप उसको सुनोगे ना, उसका कुछ और कॉन्टेशन आता है which is not bro sharike but it's like you know what I mean to say, so it's like that which comes over there
but it's I'm very happy and congratulations to all of them. And of course, Ramji is a very old friend and he's become the director. I didn't know that. So that's again a good thing. Puranik, I know, a very long friend. So also that's all friendship. It's all friendship ke liye every time is congratulations. Thank you. Ho gaya? यहाँ पर पूछेंगे आप लोग पूछिए मुझे लगता है कि दोस्ती सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. दोस्ती से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है. अगर एक माँ और बेटे का रिश्ता है तो माँ और बेटे के रिश्ते में भी ना एक दोस्ती होनी चाहिए. जिस भी रिश्ते में, चाहे वो बाप बेटे का रिश्ता हो, बाप बेटी का रिश्ता हो, माँ बेटे का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, अगर उस रिश्ते में दोस्ती वाला फैक्टर है तभी वो रिश्ता बेस्ट माना जाता है. इसलिए दोस्ती से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ है नहीं. दोस्ती से ज़्यादा इमोशनल कुछ है नहीं. दोस्ती एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि आप हमेशा खुले रहते हैं, आप हमेशा दिल की बात करते हैं, कभी भी कोई बात कहने से हिचकिचाते नहीं. तो मुझे लगता है कि दोस्ती एक बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत, बेहद ज़रूरी इमोशन है ह्यूमन लाइफ के लिए. और दोस्ती के लिए मैं हमेशा कहता हूँ आई लाइक इट. हाँ, भोसड़ी के ब्रोसरी के गाने जो है वो बहुत अच्छा है. इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि जब गाना हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत बढ़िया वाली गाली दी जा रही है, और वो जो गाली है वो एक्चुअली दोस्तों के बीच में बहुत चलती है. आजकल हिंदुस्तान में दोस्तों के बीच में वो वाली गाली बहुत चलती है. तो बहुत ही स्मार्टली राइटर ने इसको लिखा है, बनाया है. तो है तो ये ब्रो सरीख है, मतलब भाई जैसे, हिंदी इसका हुआ भाई जैसे. लेकिन जब ये गाना गाया जा रहा है तो ये साउंड जो करता है वो आप समझ सकते हैं क्या साउंड करता है. मैंने पहले ही बोल दिया, मेरे मुँह से निकल गया था भाई मिस्टेक. तो जो साउंड करता है वो अपने आप में इंटरेस्टिंग है, और इस वजह से ये वाला गाना जो है ये वायरल होने वाला है. ये आप लिख लो, क्योंकि ये जो राइटर का कमाल है ना, राइटर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है. राइटर ने जो लिखा है, जो सोचा है, जो कॉन्सेप्चुलाइज किया है, ब्रो सरीख है, और वो जो जैसा साउंड कर रहा है उस वजह से ये गाना वायरल होगा. ये लिख के ले लो, बस आनंद वर्मा बोल रहा है आई लाइक इट. हमारे प्रोड्यूसर बहुत बड़ी. आप कैसे हैं सब? सानंद वर्मा से बात कर रहे हैं. कैसे हैं आप? Where's Jesus? He's talking to somebody. I swear. उसको बाल को एडिट कर देंगे ना, बाल को. बाल को. राम जी का एडिट कर देंगे. हम हमारे लिए एक एक हम लोग पैक कर रहे हैं. नाइस सर, बड़े हम लोग ने तो ब्रजेश के घर पे देखे ना. नहीं, हाउ इज द रिस्पांस? यू गेट बहुत बहुत अच्छा, डैम गुड. अभी हमने लिया तो एवरीबॉडी
क्या फ्रेम बनाए, काफी अच्छा लग रहा है गाने की तरह ही। ब्रो सर ये गाना लॉन्च हो चुका है, काफी पसंद आ रहा है सबका रिस्पॉन्स, आपने खुद ही देखा होगा, तो क्या कुछ कहना चाहोगे, आपको कितनी एक्सपेक्टेशन है लोगों को इस गाने से? ये एक ड्रीम कम ट्रू है हम सभी का, एक्चुअली देखा जाए तो पूरी टीम का एक टीम एफर्ट है, और वैसे यहाँ पे जैसे रिस्पांस मिला है तो वर्ल्ड वाइड यू नो वी आर एक्सपेक्टिंग के बहुत ही अच्छा ये गाना जल्दी यहाँ पे जो लिखा है फ्रेंडशिप एंथम, हाँ बस वो बन जाए, बस वही उम्मीद है। और फ्रेंडशिप डे आ रहा है यस विद इन जस्ट फ्यू डेज, सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द फ्रेंडशिप एंथम एब्सोल्युटली। आई थिंक फ्रेंडशिप इज एवरीथिंग, अगर आपको कंधा चाहिए होता तो सबसे पहले माँ बाप के पास नहीं, हम अपने दोस्तों के पास जाते हैं डंडा और हाँ तो आई थिंक दिस ये गाना जो है आई थिंक परफेक्ट सॉन्ग है फॉर ऑल द फ्रेंड्स एंड फ्रेंडशिप जो आ रहा है आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी सुपर डुपर हिट एंड ऑल माय विशेस थैंक यू थैंक्स टू ऑल ऑफ यस। ये गाना सुनने के बाद हम लोगों को ये भी पता चला कि 20 साल की दोस्ती आप लोगों की, और ये कोई लोग 2 साल में 4 साल में खत्म कर देते हैं, बट ये 20 साल के बाद वो भी इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ आप लोग आए, तो उसके बारे में कुछ बताइए। 20 साल की दोस्ती तो डेफिनेटली है, पर इन्होंने जिस तरीके से समझा है और इन्होंने जिस तरीके से उसको निभाया है वो एक्चुअली हमारी दोस्ती दिख रही है, और दोस्ती बन तो उन्होंने लिख लिया बना लिया, बट फिर उनको जिस तरीके से दर्शाया है सब लोग वही पॉइंट पे बोल रहे जो हम कहना चाह रहे हैं, you know that is why it has come up so well. मैं इस बात से इनकार करूंगी कि कोई भी लिरिक या कोई भी कंपोजिशन जो केमिस्ट्री इनकी है वो नहीं दिखा सकता, ये इनकी अपनी है। यस 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 एब्सोल्युटली, ये हमने आप मानोगे नहीं 7 चेंज किए हैं एक दिन में, वी हैव डन 7 चेंजेस इन 1 डे व्हिच इज अ इम्पॉसिबल थिंग जो इन्होंने निभाया है और इतनी ब्यूटीफुली एंड यू नो जो आप बोल रहे हो ना 20 साल का इनका जो एक बॉन्डिंग है वो आपको इस वीडियो में देखने मिलेगा, नहीं तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू डू 7 चेंजेस 7 लोकेशंस इन 1 डे, सो हैट्स ऑफ टू ऑल टू देम। इनका जो पैशन है अपने काम की टूवर्ड्स, आई थिंक आई एम रियली बिग फैन ऑफ दैट बिकॉज आई हैव डन सो मेनी शूट्स, मेरे को खुद नहीं याद है मैंने कितने गाने कर लिए, 200-300 तो कर लिए होंगे, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग वीडियोज विच वी अचीव, सो इट वॉज अ बिग थिंग फॉर माई टीम, आई वुड लाइक टू थैंक माई एंटायर टीम वी पुल्ड दिस ऑफ एंड स्पेशली थैंक टू ऑल ऑफ देम एंड सावरी जी प्रशांत जी फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी टू वी फोर एंड हमारे प्रोड्यूसर साहब ब्रिजेश जी एवरीबडी यू नो दैट टीम वर्क वॉज सो गुड कि मजा आ गया शूट करते करते भी, सो इट वॉज सच एंड एलेक्स आई लव यू, इट वॉज सच एंड अचीवमेंट फॉर अस कि हम ये अचीव कर पाए एक दिन में शूट करना एंड आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ देम। So, thank you. वैसे देखा जाए तो लिरिकली म्यूजिकली विजुअली और केमिकली फाइनेंशियली इमोशनली फाइनेंशियली यस 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 बिल्कुल। अभी तो दोस्ती वाला गाना बना है, बहुत ही मजा आया, उसके बाद कुछ बुरा पाती आइडियाज दिमाग में आ जाए बस उस पर कुछ लेके आएंगे, बहुत चलने वाला है। यस यस 2024 में ही और एक गाना है। फिनिश हां सुनाइए। 3 स्टार मेरे सारे ओके 2 3 या ओके मेरे सारे यार ग्रोसरी के प्यारे यार ग्रोसरी के एक दूजे पे मरने को तैयार ग्रोसरी के सारे यार ग्रोसरी के प्यारे यार ग्रोसरी के एक दूजे पे मरने को तैयार ग्रोसरी के Thank you.